नमस्कार दोस्तों, मैं वीर कसाना फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट पर। दोस्तों आज ऑन ग्राउंड आकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है यहां तक पहुंचने की। मैं सेक्टर 18 के एंट्रेंस पर हूं। आप जब यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो आप जो एक गौर सिटी का जो कट है, एक कट है हमारा गलगोटी यूनिवर्सिटी के लिए जिससे आप यहाँ तक आ सकते हैं, उस कट से आप तिरंगा चौक आते हैं तो आप सेक्टर 18 पहुँच सकते हैं। लेकिन आप सीधा सीधा आने की कोशिश करते हैं तो आप गौर वाले कट से नीचे उतरकर, जब आप नीचे उतरेंगे तो इससे 100 से 200 मीटर दूर आपका एक छोटा गोल चक्कर है। गोल चक्कर से आप राइट घुमाएंगे तो आप इस सर्विस रोड पर आ जाएंगे जिस पे मैं फ़िलहाल खड़ा। दोस्तों अभी मैं सेक्टर 18 के मेन एंट्रेंस पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, सेक्टर 18 का ये बोर्ड है। इस पर सभी पॉकेट दिखाई दे जाएंगे आपको, कौन कौन से पॉकेट सेक्टर 18 में यमुना अथॉरिटी द्वारा लगाए गए हैं। 24 मीटर से आपकी एंट्री है। दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ जेपी की लैंड है और एक आपके राइट हैंड पे गौर यमुना सिटी की लैंड है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉकेट जो पड़ता है वो 7A पॉकेट पड़ता है। हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे जितना भी दिखा पाएँ कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पर लाइट तो है ही नहीं। जिन लोगों ने अपना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मकान बना लिया है उनको यमुना अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर लाइट भी दे दी गई है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अभी एंट्री कर रहे हैं सेक्टर 18 में। 24 मीटर का आपका ये रोड है। मेरे राइट हैंड पे आप देख रहे हैं, राइट हैंड पे गौर यमुना सिटी की जो जगह है ये अभी खाली है। कुछ में गौर यमुना सिटी ने अपना ये जो हाउसिंग ग्रुप है, कुछ विला भी हैं, इसमें कमर्शियल के लिए अलग एक्टिविटी कर सकते हैं आप, उसके लिए भी जगह छोड़ी हुई है गौर ने। और लेफ्ट हैंड पे आप ये जो खाली देख रहे हैं ये भी जेपी की लैंड है। सेक्टर 19 में गौर आता है, इससे हम एंट्री कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से दोस्तों देख भी पा रहे होंगे, सभी स्ट्रीट पोल लाइट लगा दी गई हैं यमुना अथॉरिटी द्वारा। अभी जैसे जैसे अंधेरा होगा ये सभी लाइट शाम के वक्त दोस्तों जलती हुई आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। अब इसमें आगे चलते हैं। सेक्टर 18 का सबसे पहला पॉकेट आपके लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा, पॉकेट 7A। सेक्टर 18 के लिए एंट्री ले ली है। ये लेफ्ट हैंड पे जो आप खाली जगह देख रहे हैं ये आपका गांव है डूंगरपुर रील का। ये जो खाली है इसमें आपके किसान कोटा प्लॉट लगाए जाएंगे। कई लोगों को नहीं पता है किसान कोटा प्लॉट क्या होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसान कोटा प्लॉट वह होते हैं जिनमें सेक्टर काटे गए हैं, जो अधिग्रहण कर लिए गए हैं यमुना अथॉरिटी द्वारा, उन किसानों को यमुना अथॉरिटी द्वारा 7% के प्लॉट दिए गए हैं जो कि यहाँ पर इन जगह पर लगाए जाएंगे। अब आप सामने देख सकते हैं ये 7A का प्लॉट नंबर 2 है जो कि बना हुआ है। आप अब आगे वीडियो में देखिए डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से यमुना अथॉरिटी यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर आप अगर आते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी पॉकेट में जाने में, या आपका कोई प्लॉट है आप देखना चाहते हैं, या कोई प्लॉट आप यहाँ पर लेना भी चाहते हैं, तो बिल्कुल टी पॉइंट पे आपको मन्नत ग्रुप की कैनोपी देखने को मिलेगी। आप वहाँ से भी संपर्क करके अपना आराम से विजिट कर सकते हैं। मैं भी आपको लेके चलता हूँ अपनी कैनोपी पे। दोस्तों जैसे आपने एंट्री करी 7A पॉकेट के लिए, टी पॉइंट पर हमारी मन्नत ग्रुप नाम से आपको कैनोपी देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर मन्नत ग्रुप के आपको बच्चे देखने को मिलेंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी पॉकेट में आपको विजिट करनी है, या आपका खुद का प्लॉट भी यहाँ पर है, जाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कैनोपी पर आकर भी मिल सकते हैं हमसे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पॉकेट आई है। पॉकेट आई में भी मैं वीडियो के माध्यम से आगे कोशिश करूँगा डेवलपमेंट दिखाने की, यमुना अथॉरिटी द्वारा कितनी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है।
दोस्तों जैसा वीडियो में आपने देखा, मैंने आज कोशिश करी है, सेक्टर 18 में एंट्री करी 24 मीटर से। लेफ्ट हैंड पे आपका पॉकेट पड़ा 7A, उससे टी पॉइंट पे आप आए तो सामने बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा पॉकेट आई, जहाँ पर मैंने आपको कैनोपी दिखाई है मन्नत ग्रुप की। उससे जब मैं अंदर एंट्री करी, एक साइड लेफ्ट हैंड पे आपका पॉकेट आई था और राइट पे जे। मैं अभी पॉकेट जे में खड़ा हुआ हूँ। कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कि ये शहर बहुत तेज़ी से यमुना अथॉरिटी द्वारा बसाया जा रहा है। आप कैमरे की मदद से भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ के प्राइस की। अब से पहले क्या था, रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे यहाँ पर। यमुना अथॉरिटी जो भी प्लॉट 300 मीटर के हैं, क्योंकि सेक्टर 18 में ज़्यादातर प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे 300 मीटर के, 300 मीटर का रेट काफ़ी हाई जा रहा था। लेकिन स्कीम आने के कारण ये रेट अभी स्टेबल हो गए हैं। तो जो भी लोग स्कीम का वेट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ क्वांटिटी के प्लॉट निकाले जाते हैं यमुना अथॉरिटी द्वारा और लाखों तक संख्या जाती है भरने वालों की। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अभी रेट यहाँ पर स्टेबल हैं, लेकिन जैसे ही स्कीम खुलेगी, मतलब 2 से 2.5-3 महीने बाद, ये रेट काफ़ी तेज़ी से बूम करेंगे। अगर आप विचार कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, तो सबसे अच्छा समय आज का समय है। और मैं कोशिश करूँगा एक बार आपको यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाने की अपनी कैमरे की मदद से। आप एक बार दिखाइए यहाँ पर कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब से पहले यमुना अथॉरिटी ने ये जो यहाँ पर ठेके हैं रोड के या लाइट का, ये लोकल ठेकेदारों को दे रखे थे दोस्तों। लेकिन मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, आज की तारीख में नेशनल कंपनी को ग्राउंड पे ठेकेदार बनाकर उतारने वाली है यमुना अथॉरिटी। इतना काम तब हुआ दोस्तों जब यहाँ पर लोकल ठेकेदार काम कर रहे थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब नेशनल कोई बड़ी कंपनी खुद ठेकेदार बनकर यहाँ पर ग्राउंड पर उतरेगी, तो वह कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम करेगी। मैं आगे भी निरंतर यही प्रयास करता रहूँगा आपको ऑन ग्राउंड आकर दिखाने की, क्योंकि बहुत से लोग आ नहीं पाते हैं किसी कारण, कोई अपने काम में बिजी है, लेकिन उनके प्लॉट हैं यहाँ पर, कुछ लोग ख़रीदना चाहते हैं। तो आप हमारे वीडियो देखकर भी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर आने वाले समय में कितना अच्छा शहर होने वाला है। बाकी यमुना से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, नीचे मन्नत ग्रुप का नंबर है। जय श्री राम दोस्तों।